नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपनी BMW की जो ये फेंडर लाइनिंग होती है अंदर, इसको कैसे रिमूव और रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी व्हील वेल को निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपना व्हील रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ के जो फेंडर लाइनिंग के नट और लॉक है उनको निकाल सकते हो। तो जैक लगाने से पहले हमको इसके व्हील के जो ये लग नट होते हैं इनको लूज करना चाहिए, उसके बाद हम इसको जैक पर लगा के इसको निकाल सकते हैं। मैं हमेशा दोनों साइड पर जैक लगाता हूँ, अगर एक फेल हो गया तो दूसरी साइड जो लगाया है वो काम में आ जाएगा। दो टाइप की फेंडर लाइनिंग है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये दोनों बदलनी हो, अगर आपकी ये वाली ख़राब या टूटी हुई है या ये वाली फटी हुई है तो आप इसको इंडिविजुअली बदल सकते हो। ये वाली कपड़े की है क्योंकि इंसुलेशन होती है इससे अंदर, ताकि जब टायरों की आवाज़ है वो गाड़ी तक ना जाए, इंसुलेशन के लिए है, तो ये इसलिए कपड़े की है। तो आज की वीडियो में मैं ये वाली फेंडर लाइनिंग निकाल के दिखाऊंगा, और ये वाली निकालना भी सेम है क्योंकि मोस्टली लोगों की ये वाली टूटी होती है या ये वाली डैमेज हो जाती है आगे। तो सबसे कॉमन है कि ये वाली टूटती है क्योंकि यहाँ पर नीचे अगर कुछ लगेगा तो ये सीधी टूट जाती है। ये वाली होती है जो मोस्ट लोगों को रिप्लेस करनी होती है, इसका यूजुअली कुछ नहीं फटता। तो ये जितने भी नट या बोल्ट हैं वो 8 मिलीमीटर के हैं। तो ऐसे आप अपने BMW के फेंडर लाइनर को निकाल सकते हो, क्योंकि ये प्लास्टिक का पार्ट है तो यहाँ पर अगर कुछ भी इम्पैक्ट होगा तो ये आराम से क्रैक हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं अपना फेंडर लाइनिंग कैसे निकाल के रिप्लेस करूँ, तो अब आपको पता है कि आप अपने फेंडर लाइनिंग को कैसे रिप्लेस करोगे। तो चलो आप फेंडर लाइनिंग को वापस लगाते हैं, व्हील को वापस लगाते हैं, एंड उसके बाद यू आर डन। तो जब भी नटों को टाइट करना होता है हमको एक टॉर्क रेंच की ज़रूरत होती है, और यूजुअली गाड़ियों का जो व्हील नट होता है इसको 140 न्यूटन मीटर तक टाइट करते हैं। उसके बाद हम लग नट को ऐसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे क्रॉस में करना है ताकि ये व्हील हब पर ढंग से बैठ जाए। और इस टॉर्क रेंच से हम इसको स्पेसिफिक जितना टाइट होना चाहिए उतना ही टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे जिससे कि हब में दिक्कत आ सकती है या स्ट्रिप हो सकता है नट। तो ऐसे दोस्तों आप अपनी BMW की फेंडर लाइनिंग को रिमूव और रिप्लेस कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है एंड ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।